तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम जाने वाले हैं गनगढ़ फोर्ट और अब निकल चुके हैं गनगढ़ फोर्ट से। पेट्रोल वगैरह सब भर लिए और तो चलो चलो राइड की इंजॉय करेंगे। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए मानकुर के वाशी वाला रूट पर। फाइनली हम लोग रुक गए यहाँ पर खपोली के घाट पे एक जगह पर और सब निकाल के रहे। उमेश जा रहा है चाय लाने, नहीं वो हाथ पैर मुँह धोने जा रहा है एंड यहाँ पर चाय की सुस्कियाँ लेते हुए और थोड़ा नाश्ता एंड करके फिर निकलेंगे यहाँ से। फर्स्ट स्टॉप आ गया हम लोगों का। तो गाइस फाइनली हम लोगों का मैगी बन चुकी है, ये जा रहा है लाने के लिए और उसके बाद फिर हम चलेंगे राइड पे। अभी तो सिर्फ खपोली आए हैं, यहाँ से अभी और दूर जाना है। खपोली भी नहीं आया अभी तो, खपोली के भी पीछे पनवेल। ये भैया हमारी मैगी, ये भैया चलो, ये उमेश की मैगी इधर है। तो चलो चलते हैं फिर, नाश्ता वगैरह सब कर लिया अभी चलना है अपने को राइट पे। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं धनगढ़ किला के साइड में, बेस बेस विलेज में हम लोग में हैं और जा रहे हैं। मज़ा तो आ रहा है गाड़ी चलाने, गाँव से होते हुए निकल रहे ऊपर तक। अच्छा तो लग रहा है गाड़ी चलाने के लिए, ऑफ रोडिंग करने भी आ रहा है गाइस, मज़ा आ रहा है। राइट राइट दाखो तो मैप मैप राइट बोल रहा म्हणून। हाँ अच्छा हो बंद अच्छा थैंक यू। चलो जाइए, लेके चला दो। पहले बेचा इन लोग भी कैसा लग रहा है तेरे को? मस्त, मेरी तो फट के चार हो गई थी उधर। गाड़ी भगा भगा के नंबर मजा आया। सो ये ऊपर गनगढ़ फोर्ट और ये लोग स्कूटी पे आए। कहाँ से आए हो आप लोग? भगाने के लिए से नहीं, कहाँ पे? बालेवाड़ी इधर के लिए। ओके हिंजेवाड़ी, पुणे से हो आप लोग? हम लोग मुंबई से हैं, सांता क्रूज। अरे बाप रे, सांता क्रूज तो अभी हो के आए हम लोग, कुछ दिन पहले ही गए थे। अच्छा सही है, चलो हम लोग को ये भाई लोग भी मिल गए ऊपर जाने के लिए, सो वी आर नॉट अलोन। सांता क्रूज में हम लोग का प्रोग्राम था। अच्छा सही है, क्या नाव तुझा? सो गाइज काय कृष्णा, तो पण आमचा कृष्णा गेला पुढे। तो गाइज ये जैकेट रखने के लिए किधर तो गया हमारा कृष्णा, ये और एक कृष्णा मिल गया हम लोग को एंड थैंक्स ब्रो। थैंक यू। तुझे कह रहे थे? हाँ सर यार थैंक्स। और ये आ गया कृष्णा और एक तेरा मिनी कृष्णा। उसका भी नाम कृष्णा है? हाँ। अच्छा कौन सा नाम कृष्णा है? तेचा तो बॉलर सा। बॉलर सा तो लेट्स गो। आप किती तासात आहे रे? होईल एक तास। एक तास
चलो तो हमारी गाड़ी चल पड़ी है, तो कृष्णा नाम है ना, बस बस कृष्णा नाम है ऐसा। सो हियर वी गो गाइस, यहाँ पे आओगे तो ये एकोले गांव में से 2 किलोमीटर, इतना कच्चा रास्ता है ना, इतना कच्चा रास्ता है गाइस। मेरी फटके अच्छी अच्छी गाड़ी लेके आओ, मेरी फटके सच में आ गए थे हाथ में। कृष्णा उसका गवाह है, मैं बहुत वियर्ड हंस रहा था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ करके, बट नाउ आई एम ओके। यहाँ पे शॉर्टकट, चलो वी आर गोइंग अप। और हाँ, ये 2 किलोमीटर का जो रास्ता इतना कच्चा है ना, बट मज़ा भी आ रहा था। नाउ वी आर गोइंग अहेड ऊपर। सो बच्चों लोग ने बोला है एक कितना एक घंटे में हो जाएगा, सो वी आर हेडिंग अप। हाँ, और यहाँ पे आ रहे हो तो अपना चाय नाश्ता वास्ता सब करके आओ क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मिलता। तो हम है एकोले गांव में, तालुका मुशी, जिला पुणे। हियर वी गो अप। और फोन में नेटवर्क भी नहीं होता गाइस। हाँ गाइस, फोन में नेटवर्क भी नहीं है एंड पूरा सुनसान जैसा एकदम साइलेंट। बट लकीली हम लोग को चार लोग जो मिल गए थे पहले वो ऊपर मिले। हाँ, नाउ वी गो अप। सो गाइस, प्रैंक हो गया, हमें लगा था बहुत कम लोग है लेकिन यहाँ पे भी बाइक आई है। एंड यहाँ से देखो घनगढ़ किला है, यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर किवनी धनगर बस्ती 5 किलोमीटर। सो यहाँ आजू बाजू के गांव के बारे में है। सो यहाँ पे देखने जैसी क्या क्या चीज़ें हैं घनगढ़ किले में, वाघ। ठीक है, हम ऊपर जा रहे हैं। डर गए गाइस। मैं नहीं डर रहा हूँ, मैं इसके लिए भी, ये देखो फोर्ट ऊपर दिख रहा है। चुप, डर गए तुम। एंड हमें वो फ्लैग तक जाना है गाइस। हाँ, और फोर्टिफिकेशन भी है। सो घनगढ़ किले के बारे में मैं थोड़ा बता दूँ कि घनगढ़ किला जो है ये मराठा एम्पायर के टाइम पे उनके पास था, फिर ब्रिटिश इरा के टाइम पे ब्रिटिश इरा में था। घनगढ़ किला का यूज़ जो होता था बस ट्रेड रूट्स के ऊपर ध्यान रखने के लिए होता था एंड प्रिजनर्स को भी यहाँ पे रखते थे। एंड या और इसके बारे में कुछ ज़्यादा और हिस्ट्री है नहीं गाइस। क्रॉस करते हुए अब कृष्णा जंप मारने वाला है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बड़ा रूट है भैया, मुझे एक रास्ता मिल गया। ट्राई कर सकते हैं ना, और मैं यहाँ आ गया हूँ। ट्राई कर सकते हैं क्या? ये कूदने का ट्राई कर रहा है। गिरेंगे तो गाइस हंसो मत, मैं नहीं चाहता कि वो गिरे गाइस। ओह, एंड ही कंप्लीटेड। यस भाई, बच गया। और ये किले के तरफ जाने के लिए रास्ता डायरेक्शंस है एंड यहाँ पे शायद टेंट स्टे वगैरह भी होता है किले घनगढ़। हाँ, वो साइड होता है। एंड यू वी गो आप। तो गाइस, यहाँ से अपने को यू टर्न मार के सीधा सीधा चढ़ना है और ये किसी ने नेट लगाया हुआ है किसी ने तो, और अपने को सीधा सीधा फ्लैग नहीं दिख रहा, वो गढ़ के ऊपर पहुँचना है अपने को। तो चलो चलते हैं। और उमेश अभी आगे आके जा रहा है, फिर गलत रास्ते पे ना लेके जाए बस। ये इसका हर वीडियो में गलत रास्ते पे लेके जाता है भाई। गाइस तुम लोगों को पता है इसके लिए मैं बता रहा हूँ। और क्या, और कुछ नहीं। चलो फिर चलते आज, बट बाइक चलाने बहुत मज़ा आया गाइस। फुल ऑफ रोडिंग हो गई है बाइक की। तो यहाँ पे वैसे कम लोग आते हैं, बहुत हाँ। ज्यादा लोग ये फोर्ट्स पे नहीं आते, लोग लोनावला के आसपास ही घूमते रहते हैं, टाइगर पॉइंट। हाँ। और जाके थोड़ा कोरीगढ़ तक जाएंगे, उन सब जगहों से अच्छा यहाँ पे भी थोड़ा एक्सप्लोर करने आ सकते हैं लोग। अभी आएंगे अपना वीडियोस देख के। और ऊपर पब्लिक काफी गई है, ऐसा काफी पब्लिक ऊपर गई है, देखते कितने लोग मिलते हैं हमें ऊपर। अच्छे शूज पहन के आना गाइस, चप्पल विप्पल पे आओगे तो मुंह के बल गिरोगे उमेश के जैसा, इसीलिए तो मैं खुद भी मानने लगा हूँ।
कि गिरूगा नहीं तब तक वो ट्रैक कंप्लीट नहीं होगा। और उसके बाद चल के इस फोर्ट पर एक चीज़ अच्छी है गाइस, हर जगह पे बोर्ड लगा के रखा हुआ है। चलो फिर चलते हुए ऊपर चढ़ के उमेश पहुंच गया है वहाँ तक। और यहाँ पर व्यू मस्त है गाइस यहाँ पर तो। और यहाँ पर सब लिखा गया है, पूरा मैप लिखा गया है, आप लोग देख लीजिएगा। समुद्र पासून 784 मीटर्स हाई है। अभी उमेश आप लोगों को सुधागढ़ भी दिखता है, सरसगढ़ तेलबेला भी यहाँ से दिखता है। और घाट यहाँ से बागजाई घाट, सुवासनी घाट, नंदन घाट, ऐसे बहुत सारे घाट भी यहाँ से दिखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पानी की टाकियाँ है, एक बुरुज है देखने जैसा, सो अभी हम लोग वो कैप्चर करेंगे। लेट्स गो आप। चलो तो यहाँ से जा सकता था बट वो घूम के आ रहे हैं, आने दो उसको, ज़्यादा चलने की आदत है। नज़ारा बहुत सही है। तो अपन चलने वाले हैं अभी और हम चल रहे हैं। तो चलो चलते। और अपने भाई लोग जो नीचे मिले थे इधर बैठे हैं सब लोग। उधर भाई गए रास्ता बता रहे हैं। यहाँ से जा रहे हो? चलो तेरी निकालू। एकदम खड़ा है गाइस, सीधा खड़े पत्थर पे चढ़ना है। ये देखो भाई चढ़ गया उधर, उमेश भी चढ़ गया। तो गाइस ऐसे खड़े पत्थर पे चढ़कर अभी हम जा रहे हैं, उमेश ऊपर चढ़ रहा है। और देखो कितना बड़ा पहाड़ है, ऊपर आ गए, ऊपर आ गया हूँ। ये देखो कितना कितना ये देख लो। चलो ये देखो सीधा स्लीपरी गाइस, सीधा स्लीपरी, सीधा नीचे, थोड़ा भी फेर फिसल गया तो हम चलते चलो ऊपर फिर। ओ चलो भैया, तो हम चलते हुए, उमेश मेरा वीडियो निकाल रहा है। और यहाँ से रास्ता है चलेंगे, बस क्लाइमेट देखो गाइस, इसी लेके पूरी दीवार दिख रही है। और अभी से पत्थरों को क्रॉस करते हुए चल रहे हैं हम लोग ऊपर। आ गए ना भाई जल्दी, नीचे बोल रहा था ना हाफ एन आवर भी नहीं लगेगा। सो गाइज ये किले घनगढ़ का मेन दरवाजे पर हम आ चुके हैं। सो बहुत इजी ट्रैक है, नए बिगनर्स के लिए भी बहुत इजीली आप आ सकते हो, सिर्फ सीधा सीधा ही रास्ता है। यहाँ पे भी एक ट्रेल है जो कृष्णा ने शायद पहले बताया, वो भी इतना हार्ड नहीं है, आप घूम के वो सीढ़ी से वहाँ से भी रास्ते से आ सकते हो। सिर्फ ये एक सीढ़ी वाला पैच है जहाँ आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ओवरऑल अभी तक एक्सपीरियंस इज़ वंडरफुल। एंड ये रहा हमारा गढ़। अरे अपने को भाई लोग मिले थोड़े यहाँ पर, सब फोटो शूट एंड चल रहे। कहाँ कुटन आए तुम्हें? शेरगांव और बुलडाना। दहा 15 लोकांचा ग्रुप है टोटल। अच्छा और भाई लोग मस्ती चल रही है। बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी। चलो फिर चलते हैं, भाई लोग फोटो शूट कर रहे हैं, तब तक हम चलते हैं। चल बाय बाय। चल चल फोटो बेचा था बाबू डायरेक्ट आता अभी गेट से अंदर एंट्री मार रहे हैं हम लोग।
और चलो दिखाएंगे पूरा। और किले का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट मैं दिखाने जा रहा हूँ। चलो गाइस ये कुछ तो दिखाने जा रहा है। ओह वाओ। और उसके बाद बेस्ट पार्ट इस किले का, बहुत अट्रैक्टिव पार्ट है यहाँ का, देख सकते हो पूरा पहाड़ है। इतना बड़ा पत्थर सिर्फ इसके सपोर्ट पे रुका है गाइस, देख रहे हो। और उमेश यहाँ पर ले मस्त है। बेस्ट देखो गाइस, इतना बड़ा पत्थर सिर्फ उसके इस इतने से पैच पर खड़ा है। यहाँ पर सब लोग फोटोशूट एंड करके अभी निकल रहे हैं गाइस ऊपर के साइड। हाँ हाँ चलो बाय 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 तो एंड अभी ऊपर जा रहे हैं। देखो उधर वाले प्लेस पर इसमें चलते हैं। चलो ओह इधर तो कुछ नहीं दिख रहा, ये छोटा क्या उसे, ये भी वैसे ही है, ये थोड़ा बड़ा तो है गाइस। तो गाइस ये वाला एकदम खड़ा पैच है और वहाँ पर एक बुआरी टाइप है, पानी का डैम है उधर, राइट टैंक वही पानी का टैंक है। उमेश जा रहा है वहाँ पर और एकदम स्ट्रेट है, थोड़ा सा रिस्की है ये लेवल। स्टेप देखो सिर्फ कितना है वहाँ पे, गुफा जैसे छोटे टाके हैं यहाँ पे भी टाके हैं। ये बड़ी टाकी है गाइस यहाँ पर और टाकियाँ सब देखेंगे अपन। टाकी पानी टाकी चलो ये प्याज है। हाँ सरे उमेश यहाँ पर चढ़ रहा है और इधर ये एंड है यहाँ साइड, ये बाले किले की तरफ जाने का रास्ता है भाई ने बताया। तो चलो गाइस मैं भी चढ़ रहा हूँ ऐसे सब पैचेस है ऐसा गैप। तो हम लोग चढ़ के आ रहे गाइस एंड ये एक पैच है थोड़ा हार्ड है गाइस ऊपर। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। गाइस इस थोड़ा रस्सी का सपोर्ट लेते हुए ये हमारे भाई साहब ऊपर चढ़ रहे हैं। ये हमारे दूसरे बंधु भी है, शेरगाव से आले हैं आमचे भाऊ आने आता आम्ही वरती जातो है। पर अभी भी थोड़ा थोड़ा गीला है, पहाड़ों में से पानी थोड़ा आ रहा है
एंड ये कैसी, ये आ गया दरवाज़ा। ट्रैकिंग पे आए तो थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए, वरना ट्रैकिंग पे आने का मज़ा क्या है। एंड यू आर द ब्यूटी ऑफ द गनगढ़ फोर्ट। ये फ्लैग जो नीचे से तुम्हें फ्लैग दिखाया था, फ्लैग फाइनली आ गया। टाकी यहाँ पे पानी का टाकी है, बहुत नीचे चले गया है, बारिश में बहुत भरा हुआ होगा। वाह, इधर पानी उल्टा थोड़ा साफ है। और इसमें तेरा फोन भी ना, तो हो गया चलेगा। सो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फूल 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 है, कितने सारे प्यारे फूल्स है यार। अभी फूलों का सीज़न ख़त्म होने है, फिर भी यहाँ पे बहुत अच्छी वेजिटेशन है फूलों की। और यहाँ टाकी है, कृष्णा ने इसको डैम बनाया है, टाकी है, मुंह से निकल गए, गलती हो गई, ऊपर भी एक टाकी है शायद। एंड यहाँ पे बहुत सारी टाकियाँ देखने मिली ना कृष्णा। तो ये रही वो टाकी। अब यहाँ से हम फिर ऐसे चले गए अंदर। चलो कोई नहीं, देखो देखो ऊपर आई, देखो देखो देखा, हाँ पास हुई, देखा हाँ इतना सा था। हाँ चलो चलो गाइस, अब हम यहाँ से जाए, यहाँ से जाए कहाँ से, फ्लैग के पास जाएंगे ना। चलो तो हम लोग ने सांप भी देख लिया बता। हाँ, और कृष्णा इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा है क्योंकि भाई साहब आज ट्रैकिंग वाले पक्के वाले शूज पहन के आए हैं। ओ वाओ, संभल के आ रहे हैं भैये। हाँ मैं ग्रिप। तो यहाँ से गाइस नीचे का ये देखो पहाड़, ये तो पूरा स्टेट है, इसीलिए मैं बोला इधर। और ये देखो पठार, पूरा प्लेन प्लाटो, ये भी प्लाटो है आगे, मतलब पूरा ग्रासलैंड जैसा ही है। तो सही है यार क्या। और वो देखो वो वहाँ पे भी कुछ है, पूरा सह्याद्री माउंटेन्स। फ्लैग हमेशा बताता है कि यहाँ पे किसका रूल है। सो ऑफ कोर्स मराठा एम्पायर का साम्राज्य बहुत बड़ा है, एंड वी आर प्राउड दैट वी आर बॉर्न इन महाराष्ट्र। सो हियर इज़ द फ्लैग। अब हम वहाँ दूसरी साइड जा रहे हैं जो हमने कवर अप नहीं किया, बट यहाँ पे बहुत सारी पानी की टाकियाँ, लाइक गढ़ों पे इतनी पानी की टाकियाँ। ये पूरा करने वाला था गिर के, बट वो थोड़ा सा बच गया गाइस। गाइस लेकिन मैंने एक बात छुपाई, मुझे लग चुका मैं गिर चुका जब कृष्णा नहीं था, और मुझे घुटनों पे लगा है गाइस। मैंने किसी को नहीं बताया मेरा दर्द। संभाल के आया कर ना, बट वो कॉपीराइट है ना गाइस। तो कैट द व्यू, ये देखो तराई है पूरी, पूरी रिवर वैली है यार ये तो। वो देखो उसमें से नदी में से पानी बहता होगा, क्या सरस लगता होगा। ओ वाओ, जो भी लुक एट द गाइस, मस्त। ये खजूर का पेड़ है राइट? हाँ मैं गलत नहीं हूँ तो सही है। गाइस ये देखो कहाँ से आ रहा है। हाय गाइस, यहाँ से व्यू बेस्ट है, मजा आ रहा है। कृष्णा ये मैं इसके ऊपर, ये खजूर का पेड़ है गाइस, अभी ये ब्यूटीफुल नज़ारों को लेते हुए अब हम चल पड़े हैं नीचे की ओर। एंड टाइम हो गया 11 बज गया गाइस। हाँ हमने बहुत एक घंटे के अंदर तो ओवरऑल ट्रैक ही कंप्लीट कर दी। नीचे वो लड़के ने हमसे कहा था एक घंटा लगेगा, बट आई गेस हम लोग ने आधे घंटे में कर लिया था। और अब ये हम यहाँ से चले नीचे को। और ये हम उतर रहे हैं नीचे। डूड, हियर वी गो डाउन।
बहुत ऐसे ग्रिप वाले शूज होने बहुत जरूरी है सारी चीजों में। हाँ, मैं वैसे तो मेरा कॉपी राइट है गाइस, तो उसके लिए कुछ नहीं बोलूँगा। मेरी लेस खुल चुकी है डूड, कैन यू जस्ट हैंडल दिस। ये देखो आ रही है गाइस, मेरी लेस खुल गई यार। किसका क्या क्या नहीं खुलता है। चलो क्वाचा का शूज होके भी इसको कुछ फायदा नहीं, बताओ। डिकैथलॉन का नाम खराब करता है ये बंदा, बताओ। कॉपीराइट देखो भाई, ऐसे ढलाने काफी। चलो इतना नीचे उतर रहा है, ऐसे अगर नहीं उतर आप नहीं उतर सकते तो आप बैठ जाइए और बैठ के अपने आप को थोड़ा थोड़ा आगे आगे घसीटते जाइए। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे। आप ये मत सोचे कि खड़े खड़े ही उतरना है, तो कुछ ज़रूरी नहीं, आपको जैसे जम रहा वैसे आप उतरे। इसीलिए मैं उतर रहा हूँ। हाँ, जैसे अगर आप मुझे देख लो तो मैं घसीट घसीट के आ रहा हूँ। ये देखिए, एंड कुछ ये नहीं है कि आपको जैसे जम रहा है, बस आप अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो हियर वी गो। और ये तो उतर चुका है, अब मैं कैमरा ऑफ करता हूँ ताकि मैं अच्छे से उतर जाऊँ। आई डोंट नो कि आप तक मेरा आवाज़ पहुंच रहा है कि नहीं, बट यहाँ से ना स्टीप खाई है, यहाँ पे रोप दिया गया है एंड इस रोप के मदद से एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड एंड ये मैं नीचे उतर गया हूँ। फाइनली इट वॉज ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। लाइक वहाँ पे थोड़ा ऐसा लगता है कि ये है, लेकिन हो जाता है वो। यहाँ से ऊपर गया है, मैंने आप लोगों को दिखाया, बट फिर से देखते हैं। गाइस ये अंजीर का पेड़ है, मैं अभी तोड़ के खाने वाला हूँ। मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा, बट नीचे के साइड नहीं है क्या कोई अंजीर? नीचे गिरा हुआ होगा। मैं नीचे गिरा हुआ क्यों खाऊं? ये तो टूट जाएगा भाई। चलो कोई नहीं, मैं जानी नहीं, नहीं गाइस हम जा रहे हैं। कैंसिल हो गया इसका अंजीर, मैं तो लकड़ी भी नहीं। रुको लकड़ी मिल गया, अभी इतना सोचा है बस इधर किधर ना गिर जाए। देखा गाइस, वो और एक नहीं निकाल सकता तू? अच्छा तो है, निकाल और एक। क्यों और एक? मतलब मैं ना खाऊं? तू क्यों खाएगा? देखा गाइस कैसा इंसान। ऐसा बोल ना, फिर मांग मेरे को। हाँ और एक तोड़, ऐसा बोल। ऐसा नहीं कि सामने से मेरे लिए कुछ करे। क्यों नहीं, सामने से क्यों करो? जब तक इंसान मांगेगा नहीं तो क्यों करने का? कृष्णा मुझे तेरी प्रॉपर्टी चाहिए, मांग रहा हूँ मैं तुझसे। चलो गाइस, ये पत्ते निकाल दिए। अरे तेरे टाइम पे क्यों डर लग रहा है मेरे को? देखा मिला, खराब निकल गया वो। और ये थाम रे, गाइस हमने दो अंजीर मिल गई है। थोड़ा गंदा है, इसको हम साफ कर लेंगे पानी से। गाइस आजकल मालूम है अंजीर की रील्स बहुत वायरल चल रही है। क्या? कि इसमें पॉलिनेशन होती है। क्या होती है पॉलिनेशन? गाइस देखो ताजा अंजीर,
मीठा नहीं है यार। हाँ तो अभी कैसे है मीठा होगा, उसको ड्राई करना पड़ता है। मेरे को मीठा नहीं लग रहा, ये ट्राई करूँ? कोई कहा लेना, इधर आके इधर रखूँ? ये थोड़ा मीठा है। हाँ तो मुझे कौन देगा? फाइनली इसने मुझे दिया तो सही। ओके सो गाइस, हम नीचे उतर चुके हैं एंड ये हमारा ब्रो, इसको कृष्णा, कृष्णा का जैकेट कृष्णा के पास है। कृष्णा ना रे तू? ओ थैंक यू कृष्णा ब्रो, आमचे व्हिडिओ बघा काय। चला थँक्स बाय। सो विथ दिस वी एंड आवर ब्लॉग। तेरे को सोयाबीन देखना था ना? हाँ देखिए सोयाबीन, ये सोयाबीन है, सोयाबीन ना है आज? ओके ये वाल है, सोयाबीन सारा कसं वाटतं। सो थँक्स ब्रो, तुला पण। तुझं नाव काय? ईश्वर। ईश्वर थैंक यू ईश्वर ब्रो, थैंक यू। चला सी यू, बाय।